आज दिल्ली जाते समय हमें ये नई सी चीज़ दिखी जिसका नाम चौपाल। समझ में नहीं आया कि इसको रेस्टोरेंट कहूँ या ढाबा, बट स्टिल अंदर चल के एक बार तो देखना चाहिए। वाह, देखने में तो काफ़ी बड़ा है, चल के देखें आज इनकी डिशेस में क्या है। ये कंसेप्ट काफ़ी अलग सा लग रहा है। देखो कैसे इन्होंने बैम्बू की वाकई चौपाल का सा लुक दिया है कुछ शायद। और यहाँ ग्राउंड भी काफ़ी बड़ा है, स्विंग्स भी हैं, थोड़ा सा देसी लुक दिया है। देखिए किस टाइप से ये इन्होंने बैम्बू का यहाँ पर काम किया। और ये देखो माइलस्टोन कितना प्यारा है, वाओ। लैंटर्न्स लगे हुए इसमें, पूरे जो सेटअप है जो एक अलग प्रकार का सेटअप है, जो मुरादाबाद में ये चीज़ में आपको मिलेगी ना, जो हमारे पास यहाँ पर व्यवस्था है, इसको काफ़ी लोगों ने लाइक किया है। और आइए मैं आपको इसी प्रकार के एक स्मॉल हट और दिखाता हूँ। एक ये हट हमने तैयार किया है जो कपल्स के लिए है, जो प्राइवेसी जो मिल जाए उसको, प्राइवेसी के लिए कोई कपल है या फोर पर्सन वाली फैमिली है उसके लिए। मतलब आपने क्या सोच कर ये सेटअप किया और क्या आपकी यूएसपी है? तो जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो तो बेसिकली कि इतना बड़ा एरिया पूरे मुरादाबाद में किसी भी रेस्टोरेंट के पास नहीं है, किसी भी होटल के पास नहीं है। और बच्चों के लिए स्पेशली ये लोकेशन है, उन्हें स्पेस चाहिए होती है खेलने के लिए, और इतना बड़ा ग्राउंड अगर मिल जाए बच्चों को तो और क्या बात हो सकती है। चौपाल जो हमने इसका थीम रखा है वो बेसिकली थोड़ा विलेज लुक देने के लिए रखा है। और क्या किस टाइप से करके आप इस रेस में रहना चाहोगे? तो बेसिकली जो अपकमिंग कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा किड जोन बनाने का है, जो हम सोच रहे हैं वाटर पार्क टाइप कुछ यहाँ पे हो सकता है। इसका जानना चाहेंगे कि ये इसका नाम क्या दिया है आपने? सर ये ट्रिपल स्नैक्स प्लॉटर है जी, ट्रिपल स्नैक्स प्लॉटर। लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त भाई, मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। और मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार चौपाल ज़रूर आए। अब हम आपसे अलविदा लेते हैं क्योंकि मुझसे रुका नहीं जा रहा है। थैंक यू। और अगर किसी को यहाँ आना हो तो एड्रेस क्या है? सर आप अगर मुरादाबाद में आते तो मुरादाबाद, अगर आप दिल्ली से इधर को आ रहे हैं, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली से लखनऊ की तरफ आ रहे, तो आपको पाकवाड़ा, सबसे पहले पाकवाड़ा मिलेगा। पाकवाड़े से आपको समथिंग हाफ किलोमीटर समथिंग आगे जाके जीरो पॉइंट आता है, तो इसको जीरो पॉइंट सेलिब्रेशन भी कहा जाता है।